तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो बायजूस पोंडिचेरी टी10 लीग का आज के दिन का तीसरा मैच और टूर्नामेंट का भाई 12वां मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा पैट्रियट्स वर्सेज टाइटन्स के बीच में। बात करेंगे मैच की डेट एंड टाइमिंग की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डेट भाई आज की रहने वाली। टाइमिंग की बात करें तो दोपहर को 2 बजे मैच खेला जाएगा, यानी कि अब से लगभग 2 घंटे 30 मिनट के बाद मैच खेला जाना है। वेन्यू की अगर बात करें तो आप देख सकते हो क्रिकेट एसोसिएशन पुंडुचेरी ग्राउंड में मैच खेला जाएगा और पूरी की पूरी लीग भाई यहीं पे खेली जानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिच रिपोर्ट की बात करेंगे तो भाई पिच की बात करें तो भाई बैलेंस विकेट है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। हालांकि हाई स्कोरिंग मैचेज होंगे लेकिन साथ ही साथ विकेट्स भी गिरते रहेंगे, तो बॉलर्स प्लस बैट्समैन दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प रहेगी। वहीं अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल की तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही। साथ ही साथ आपको बता दूं जो पहला मैच यहाँ पर अभी खत्म हुआ है बायजूस पोंडिचेरी टी10 लीग का, एक तरफा विनिंग आपके भाई ने यहाँ पर करवाई है। डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो, एक तरफा विनिंग आपके भाई ने यहाँ पर आपकी करवा रखी है, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो विनिंग और मतलब हर मैच में आपका भाई आपको अल्ट्रा क्लीनशिप करवा के दे रहा है। तो रीज़न क्या है वो आपके सामने है कि भाई यहाँ पर फाइनल टीम आपको विनिंग करवा के देगी और वो आपको मिलेगी यहीं पे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी भाई पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमारा यूजर नेम देख सकते हो @KPMF11। तीनों के तीनों चारों के चारों लेटर स्मॉल होने चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें तो आप सर्च कर सकते हो @KPMF11, आपको हमारा चैनल यहाँ पर जो टॉप वाला चैनल है यही हमारा एकमात्र चैनल होने वाला है। सेम आपको इसी चैनल पर आकर ज्वाइन हो जाना और यही हमारा फुल एंड फाइनल चैनल होगा, तो इसी के ऊपर आपको ज्वाइन होना है। 5.9 के यानी कि भाई 5900 मेंबर्स की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नीचे आपको जो चैनल दिख रहे हैं ये सारे फेक चैनल, आपको सिर्फ ऊपर वाले चैनल पर आकर ज्वाइन हो जाना है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे प्लेयर्स के बारे में। दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई पैट्रियट्स की टीम अपने दोनों के दोनों मैच विन करके आ रहे। वहीं अगर बात करें यहाँ पर टाइटन्स की टीम की तो ये भाई अपने दोनों के दोनों मैच हार के आ रहे हैं। वेन्यू के अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो 9 मैच में से 2 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किए और 6 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किए, जबकि 1 मैच टाई भी रहा था। वहीं अगर बात करें यहाँ पर जो 6 मैच विनिंग हुई है ना 6 मैच में, वो भाई एक तरफा सी विनिंग हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए टॉस के बाद है ना टीम में काफ़ी बड़े आपको मैं चेंजेस करता दिखूंगा। रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए जो मेरी फाइनल टीम होगी ना वो आपको कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर। सबसे पहली बात तो रीजन क्या है उस चीज का, ये मतलब देखिए सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को हाईली हेल्प मिल रही है, तो टॉस के बाद जो भी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी ना उसी के फेवर में हम यहां से टीम बना के लेके जाएंगे। वहीं अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो यहां पर भाई 100 से 120 के बीच में रहेगा। वेदर की अगर बात करें तो वेदर बिल्कुल क्लियर रहेगा, बारिश के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहने वाले हैं। अब यहां से अगर बात करें पैट्रियट्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स की, तो आप देख सकते हो वी शशांक आपको दिखेंगे 3 मैच में भाई 30 रन बनाए प्लस 2 विकेट निकाले, 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। जेड अगर अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए, ओवरऑल स्टैट्स काफी गजब के 159 मैच में 73 विकेट 3300 रन। एस परमेश्वरन की बात करें तो आप देख सकते हो 12 मैच में 392 रन 13 विकेट 100% आपकी टीम में होना चाहिए, इवन सीवीसी का सबसे बेहतरीन चॉइस रहेगा। नितिन कुमार की बात करें 100 मैच में 2600 रन 35 विकेट जीएल मिनी जीएल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर बात करें यहां पर नवीन कार्तिकेयन डी की तो 1 मैच में 11 रन बनाए। इसके अलावा नीतीश्वर एलांगोवन की बात करें तो 1 मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाला। कृष्णा पांडे की बात करें तो 1 मैच में 52 रन प्लस 1 विकेट इन्होंने निकाल रखा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर बात करें यतीश कुमार एन की तो आप देख सकते हो 1 मैच में 1 विकेट इन्होंने भी निकाला। नीचे अगर बात करें तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं एस वेंकटदर्शन की तो इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। अविनाश बद्रीनाथ की बात करें तो पूरी तरह से फ्लोप रहे। सुब्रमण्यम के की बात करें तो पूरी तरह से फ्लोप रहे हैं। वहीं अगर बात करें टाइटन्स की टीम की तो यहाँ आपको दिखेंगे भाई जॉर्ज सैमुअल 8 मैच में 3 विकेट जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो। जय पांडे को आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, 11 मैच में 141 रन प्लस 2 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं। जय मणिकंदन की बात करें तो भाई बेहतरीन प्लेयर है, इवन सीवीसी का भी अच्छा चॉइस रहेगा। 14 मैच में 234 रन प्लस भाई यहां पर 11 विकेट भी है। आमिर जीशान की बात करें 13 मैच में 384 रन प्लस 4 विकेट भी है, 100% आपकी टीम में होना चाहिए। हालांकि रिसेंटली फॉर्म काफी खराब चल रही है। उज्ज्वल कुमार सिंह मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, 9 मैच में 8 विकेट ही निकाले लेकिन रिसेंटली फॉर्म ठीक ठाक
चल रही है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। सिद्धार्थ गुरविंदर सिंह 8 मैच में 7 विकेट, जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभिन मैथ्यू की बात करें तो भाई 8 मैच में 7 विकेट है, इन्हें भी आप ट्राई कर सकते हो, एज ए ट्रंप का ट्राई कर सकते हो, बट मस्ट पिक प्लेयर आपके लिए बिल्कुल नहीं रहेगा। राजा विजयी की बात करें तो लास्ट मैच में भी बॉलिंग करवाई थी, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, 10 मैच में 251 रन प्लस 3 विकेट है। नितिन प्रणव की बात करें तो 1 मैच में 10 रन है, जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो। सिद्धार्थ नायडू की बात करें तो 1 मैच खेला भाई, बॉलिंग में कुछ खास नहीं कर पाया, साथ ही बैटिंग ज़्यादा कुछ आई नहीं थी। वहीं अगर बात करें थरुण की तो 1 मैच में भाई इन्होंने 13 रन बनाए, इवन भाई जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्मॉल लीग में आप अगर चाहो तो ड्रॉप करके चल सकते हो। अब अगर बात करें यहाँ पर दोनों टीम्स के लास्ट मैचेज की तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। रीज़न क्या है दोनों टीम्स के लास्ट मैचेज की परफॉर्मेंस देखने का, कि यहाँ से आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैटिंग ऑर्डर का पता लग जाएगा, तो बैटिंग ऑर्डर आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं सबसे पहले भाई दोनों टीम्स की बैटिंग ऑर्डर की। तो परफॉर्मेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों टीम्स में से पैट्रियट्स की टीम दोनों मैच विन करके आ रही है, जबकि टाइटंस की टीम दोनों मैच हार के आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे टाइटंस की टीम की, जो कि ईगल्स के सामने हार के आ रही है। यहाँ पर देखिए जय पांडे, आमिर जीशान ओपनिंग करने आए थे, पूरी तरह से फ्लॉप रहे। नितिन प्रणव की बात करें तो 1 रन बनाए, फ्लॉप रहे। सिद्धार्थ नायडू ने यहाँ पर 20 रन जरूर बनाए थे। इसके अलावा नीचे आके थरुण जे ने 6 बॉल पर 16 रन बनाए, बाकी भाई बीच में पूरी तरीके से फ्लॉप शो चला था इनका। इसके अलावा गेंदबाजी की बात करें तो वो थोड़ी ठीक रही थी। यहाँ पर अगर बात करें आमिर जीशान की तो 1 ओवर डाला, विकेटलेस गए। अभिन मैथ्यू 2 ओवर में 1 विकेट निकाला। वही अगर बात करें यहाँ पर विजय राजा की तो 2 ओवर में 2 विकेट इन्होंने निकाले। जय पांडे भी 1 ओवर डाल रहे, विकेटलेस रहा। उज्जवल कुमार सिंह ने 2 ओवर में 3 विकेट निकाला। गुरविंदर सिंह ने लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला हुआ है। अब अगर बात करें यहाँ पर देखिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी मैं बात करने आया था वो है भाई बैटिंग ऑर्डर। जय पांडे के साथ आमिर जीशान ओपनिंग, नितिन प्रणव 1 डाउन आ रहे, सिद्धार्थ नायडू 2 डाउन आ रहे, जयप्रकाश मणिकंदन 3 डाउन आ रहे, ठीक है। यहाँ पर इतने ही आपको मेनली बॉलर बैट्समैन का ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें पैट्रियट्स की टीम की तो भाई पैट्रियट्स की टीम यहाँ पर वॉरियर्स को लास्ट मैच में हरा के आ रही है, और वो भी 10 विकेट से, मतलब गजब। यहाँ पर जय डागर की बात करेंगे तो यहाँ पर भाई बात करेंगे जय डागर की तो जय डागर ने भाई यहाँ पर 12 रन बनाए, उसके बाद भाई ये रिटायर आउट हो गए थे, ठीक है। वहीं अगर बात करें शशांक वी की तो आप देख सकते हो 23 बॉल पर 37 रन की नॉट आउट पारी खेली। एस परमेश्वरन की बात करें तो भाई 15 बॉल पर 39 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। वहीं अगर बात करें यहाँ पर वॉरियर्स की तो 89 रन इन्होंने बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। बट यहाँ पर हम बात करेंगे बॉलिंग की, तो बॉलिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही थी, सुब्रमण्यम के की बात करें तो आप देख सकते हो 2 ओवर में 1 विकेट। इसके अलावा नीतीश एलांगवन की बात करें तो 2 ओवर में 3 विकेट इन्होंने निकाले। एस परमेश्वरन ने 39 रन बनाए, प्लस भाई यहाँ पर 1 विकेट भी निकाला 2 ओवर गेंदबाजी करके। वहीं अगर बात करें यहाँ पर अविनाश बद्रीनाथ की तो 2 ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाला। तो यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे वो मैं बता देता हूँ, एस परमेश्वरन आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, नितेश्वर क्या नाम भाई इसका एलन गोवन इंपॉर्टेंट रहेगा, अविनाश बद्रीनाथ इंपॉर्टेंट, सुब्रमण्यम के आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं जो सामने वाली टीम, यानी कि भाई टाइटंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके, पैट्रियट्स की भी बात हो चुकी है। एक मिनट भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर भाई थोड़ा सा नीचे चलेंगे। हाँ यहाँ पर टाइटंस की बात भाई एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ भाई टाइटंस की बात हो चुकी, पैट्रियट्स की बात हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर भाई अब चलिए सीधा चलते हैं डेमो टीम की तरफ। यहाँ पर जो आपको टीम मिलेगी ना वो ऑलमोस्ट फाइनल रहेगी। बाकी देखिए यहाँ पर जो अभी मैं आपको टीम बना के दूंगा ना, ये ऐसे डेमो टीम आप लेके जा सकते हो, फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम के बारे में। तो सबसे पहले भाई बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन के, यहाँ से अगर बात करें तो भाई आपके लिए एन कार्तिकेयन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा एस नायडू या फिर जी सैमुअल को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। रोहित डी भाई अगर खेलता है तो आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, बट अभी के लिए खेला नहीं है तो अभी के लिए हम ट्राई नहीं करेंगे। वी शशांक एस परमेश्वर दोनों मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा जय मणिकंदन को आप अपनी टीम में लेकर चल सकते हो। नीचे भाई जय डागर की बात करें तो गजब का प्लेयर है, हालांकि परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अभी तक नहीं दी गई है। एज ईशान को हम अपनी टीम में रखेंगे अगर खेलता है तो। पांडे हमारी टीम में रहेगा, यू कुमार सिंह हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा भाई अगर आप चाहो तो आप नीचे से ट्राई कर नीचे नहीं भाई यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में और कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। एस गुरविंदर सिंह को आप ट्राई कीजिएगा, आर विजय को आप अपनी टीम में रखेगा। इसके अलावा भाई आप यहाँ से ई इथेश्वर को ट्राई कर इथेश्वर को आप ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई एस सुब्रमण्यम को। इन दोनों को अगर आपको ट्राई करना है तो भाई फिर आपको ये बद्रीनाथ पर रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन भाई ये बद्रीनाथ काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, आपकी टीम में मेरे हिसाब से होना चाहिए। यहाँ से अगर बात करें सी वी सी की तो भाई अभी के लिए आप एक मिनट भाई
एज परमेश्वरन को कैप्टन कर सकते हो। और यहाँ से भाई देखिए, अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है तो भाई आप के पांड्या को एज ए वीसी लेके जा सकते हो, बट अभी के लिए भाई मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ वी शशांक को। फाइनल टीम में हो सकता है कुछ चेंजमेंट मैं आपको करता नजर आऊँ, उसकी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ से अभी आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसमें अगर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसके डायरेक्ट अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो KP@KPM F11। ठीक है, सिंपली बस आपको इतना सर्च करना, मैं एक बार टेलीग्राम पर चलकर आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। यहाँ से अगर बात करेंगे तो भाई आप @KPM F11 सिंपली KOM हो गया भाई, KPM F11 यहाँ पर सिंपली आपको इतना सर्च करना। और जो टॉप वाला चैनल है 5900 मेंबर्स वाला, 5900 फैमिली मेंबर्स जहाँ पर जुड़े हुए हैं वही चैनल आपको ज्वाइन करना है, ये फेक चैनल भाई आपको नहीं ज्वाइन करना है। ठीक है, अब चलिए बस यहाँ से मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।